बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लिसनर्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रोविंशियल डिमांड्स फॉर सेल्फ रूल एंड शेयर रूल अंडर द 18th अमेंडमेंट इन पाकिस्तान। ये हमारी लेक्चर का पार्ट टू है और पार्ट वन में हमने बेसिकली पाकिस्तान के फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी किया, हमने एक हिस्टोरिक ओवरव्यू लिया। लेकिन आज का हमारा चैप्टर जो है वो अबाउट सेल्फ रूल एंड शेयर रूल डिमांड्स है, और ये भी देखेंगे कि किस तरह 18वीं तरमीम ने में कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेके आए जिसकी वजह से सेल्फ रूल पॉसिबल हुआ और शेयर रूल जो था उसकी जो डिमांड्स थी वो फुलफिल हुई, और हम इसका एक ओवरव्यू भी देखेंगे। इसी तरह जब हम सेल्फ रूल की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ रूल एंड शेयर रूल बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं और क्लासिफाई करते हैं फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को, और ये वाइड एग्रीमेंट हैं जिसमें कि सेल्फ रूल रेफर करता है अटोनमी को, यानी हम पाकिस्तान के इसमें देखते हैं कि प्रोविंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी मिले और जो सब नेशनल यूनिट्स हैं, जो कि हर कंट्री में उसका डिफरेंट नाम है, कहीं इनका नाम लैंडर है, कहीं कैंटन्स कहते हैं, कहीं स्टेट्स कहते हैं, कहीं ऑटोनमस कम्युनिटीज़ कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसको प्रोविंसेस कहा जाता है। तो सेल्फ रूल में हम इनको फ्री करें, इन फेडरेटिंग यूनिट्स को, यानी पाकिस्तान में हम प्रोविंसेस को फ्री करें कुछ चीज़ों में। नंबर वन डिसाइडिंग, नंबर टू फाइनेंसिंग, और नंबर तीन इम्प्लीमेंटिंग। इन तीन डोमेन में हम उनको फ्री करें ताकि वो अपनी ओन पॉलिसीज जो वो बनाते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। इसी तरह सेल्फ रूल कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, नेमली द पावर टू मेक पब्लिक पॉलिसी डिसीजंस, यानी जो सेल्फ रूल है यानी खुद मुख्तारी है वो पब्लिक पॉलिसी यानी आम पब्लिक के लिए जो वेलफेयर के एजेंडा हर गवर्नमेंट बनाती है उसमें उसको डिसीजन मेकिंग पावर दी जाए और उसको जो है फ्रीडम दी जाए ताकि वो उसके लिए जो भी स्टेप लेती है टैक्सेशन का या और भी किस्म की लिबर्टी के प्रोग्राम्स बनाती है, प्रोजेक्ट्स बनाती है, उसमें उसको फ्रीडम जो है वो दी जाए। यहाँ सेल्फ रूल का मतलब है कि हर जो प्रोविंस है पाकिस्तान में वो मैक्सिमम मामलात जो हैं अपने सिटीज़न की वेलफेयर के वो अपने लोकल लेवल पे खुद कर सके। दूसरी तरफ जो दूसरा कॉन्सेप्ट है शेयर्ड रूल का, उसका मतलब ये है के जो हम ये रेफर करता है टू थ्री रेडिकली डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस को ऑफ टेरिटोरियल पावर को, यानी एक जो रियासत की जो पूरी पावर और अथॉरिटी है उसको, डिपेंडिंग ऑन हु एग्जैक्टली इज मीन्ड बाय द शेयरिंग विद कॉम्पोनेंट, एज वी कैन ओनली शेयर विद समवन एल्स हु ऑन द अदर हैंड इज defines the understanding of the shared rule. In first understanding of shared rule, it defines it as the extent to which subnational units means provinces जो के practice कर सके in decisions and can concern the whole political community and not just their region. इसकी एक बेहतरीन मिसाल अगर हम देखें जर्मन फेडरेशन में, जहाँ के जर्मन सेकंड चैम्बर जो बंडरास्ट है वो उसमें वेयर ईच ऑफ द 16 लैंड जो हैं वो गवर्नमेंट्स के इज डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड एंड हुज कंसेंट इज नीडेड ऑन नेशनल लेजिस्लेशन अफेक्टिंग द लैंडर। और सेकंड अंडरस्टैंडिंग जो है वो शेयर्ड रूल की ये है कि हॉरिजेंटल लेवल पे एक कॉपरेशन हो बिटवीन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स,
एट द एक्सक्लूजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, यानी इन पाकिस्तान केस में जो चारों सूबे हैं उनके अंदर एक जो है वो कॉपरेशन आपको नजर आए। एक थर्ड फाइनल मीनिंग जो शेयर्ड रूल का है वो ये है कि प्रोबेबली द वन इंटेंडेड बाय इट्स ओरिजिनल क्रिएटर जो कि डैनियल एलेजार था, उसने इसको डिफाइन भी किया कि एज द पावर्स वेयर द पावर्स एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं ये हमें जो डैनियल एलेजार है उनकी डेफिनेशन में भी आपको ये नजर आएंगे जब आप फेडरलिज्म की डैनियल एलेजार की डेफिनेशन देखते हो। जब हम सेल्फ रूल की डिमांड पाकिस्तान के इसमें बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में पास्ट में हाईली सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता था। जब हम ये टर्म यूज़ करते हैं ना हाईली सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम, तो डियर स्टूडेंट्स कीप रिमेंबर के पॉलिटिकल सिस्टम दो किस्म के होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड एक डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड वेयर ऑल द पावर और द मैक्सिमम पावर एंड कंट्रोल ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशंस रिमेन्स इन द हैंड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, और जो प्रोविंसेस हैं जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं दे आर डिप्राइव्ड वन। अब जो सारी पावर का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग पावर भी और इकोनॉमिक पावर भी और रिसोर्सेज के ऊपर भी कंट्रोल जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। अब ये बात स्टार्ट में 1947 के फौरन बाद तो चले मुनासिब बात थी कि प्रोविंसेस वर नॉट स्ट्रेंथन, और जो लोग थे यहाँ पे प्रोविंसेस में हमारे पास मशीनरी नहीं थी प्रोविंसेस में, और स्किलफुल जो टीम थी वो नहीं थी, तो हमने गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज्ड रखा ताकि हम पहले अपने जो इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर लें। लेकिन बाद में ये कल्चर बन गया और 2010 तक से पहले तक ये चलता रहा, और उसकी वजह से जो ये हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम था हमारा पाकिस्तान में, इसने पाकिस्तान के अंदर किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है वो चलने नहीं दिया, और यहाँ पे नेपोटिज्म करप्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही थी। इकोनॉमिक रिसोर्सेज फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में थे और वो प्रोविंसेस जो हैं उनको उनकी जो अटोनमी थी वो बहुत मिनिमम थी, और प्रोविंसेस जो थे वो मनी बोरो करते थे गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसके पास मैक्सिमम थे, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी नहीं थे, इसलिए ज़्यादातर जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पुअर था, और यही जो कंप्लेन थी ये ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से भी मुस्तकिल की जा रही थी कि हम वहाँ पे जो है वो ज़्यादातर लोग पॉवर्टी लाइन से बिलो जो है वो रहते हैं, और इकोनॉमिक कंडीशन जो है प्रोविंस की वो बेहतर नहीं है। तो डिमांड जो वो कर रहे थे कि एबॉलिश किया जाए कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट को। यहाँ ये बहुत ज़रूरी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप याद करें कि पाकिस्तान की जो हमारी जहाँ पे जो कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट थी ये एग्जिस्ट करती थी कि इसमें वो सब्जेक्ट्स मौजूद थे जिन पे के फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के लेजिस्लेट भी करती थी, और इसके इससे जो इनकम होती थी वो डिस्ट्रीब्यूट भी होती थी, राइट। और इसमें हमारे जो कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट थी उसको इस्तेमाल भी हाईली सेंट्रलाइज्ड वे में किया गया कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी थी डिसीजन मेकिंग की या अपर हैंड था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहा, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी वो जो है वो उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या तो शामिल नहीं किया जाता था और या उनको जो उनकी जो तजावीज़ थी उनको रद्द कर दिया जाता था। इस तरीके से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी उनके प्रॉब्लमेटिक इश्यूज और जो ग्रीवेंसेस हैं वो बढ़ते चले गए, और इसकी वजह से हमने 1971 का एक जो है वो आप देखें कि एक फॉल ऑफ ढाका का एक हमारे साथ वाकया भी हुआ, तो
जिसकी वजह से पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। क्यों? कि हमने उनके ग्रीवेंसेस को मिनिमाइज ही नहीं किया, हमने उनकी बातों को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, हमने उनको जो है वो अनसेटिस्फाइड रहने दिया। तो इस तरीके से जो है उनके मूवमेंट में इंटेंसिटी आ गई। फिर हम ये देखते हैं कि बहुत से मामलात हर मुल्क में फॉरेन पॉलिसी के, मिलिट्री के एक्सपेंडिचर्स जो थे, ये करेंसी वगैरह के, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो था, जब हाइटली सेंट्रलाइज किया गया, तो तमाम जो सब्जेक्ट्स थे, यानी जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में मौजूद थे और कंक्रीट पे उसके ऊपर अथॉरिटी थी जो डिसीजन मेकिंग की और उसको एक्सरसाइज करते थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। तो इसी तरह जो बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई। और हमने ये देखा कि बजाय इसके कि हम उनके ऑयल एंड गैस से और मिनरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो ग्रीवेंसेस थे, हम उनको निगोशिएट करते उनके साथ, हमने उनको अनसेटिस्फाइड रहने दिया। ये हम 2010 से पहले की बात कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे फिर नेशनलिस्ट जो हैं उनकी तादाद बढ़ती चली गई। हमारे पास आप देखेंगे सेंधक माइन जो केस है, इसके एक एग्जाम्पल है। और वहाँ पे जो है फिर रेकोडेक जो प्रोजेक्ट है उसके भी आप देखें कि जहाँ पे 65 बिलियन डॉलर जो थे टू बी कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट 30 इयर्स, और उससे जो आमदनी होनी थी वो भी प्रोविंसेस को जानी थी जो कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट की जो है वो जुरिस्डिक्शन में चला गया। पाकिस्तान जो था उसने बहुत ज़्यादा मंसूबे शुरू किए हुए थे बलूचिस्तान में माइन से रिलेटेड, लेकिन जो बलूचिस्तान है वो एक लार्जर टेरिटरी है जहाँ पे मिनिमम पापुलेशन है। और आप देखें कि वहाँ पे जो लोग हैं, उन ड्राई माउंटेन्स में रहने वाले लोग जो हैं वो बहुत पुअर हैं, और वहाँ का जो ट्राइबल सेटिंग्स है वो भी, उनकी भी एक अजारतदारी है जो कि उस एरिया में पॉवर्टी की एक वजह भी है। अब जो ये चीज़ है कि रिसोर्सेज पे भी हुकूमत का कंट्रोल होना, ये एक बहुत क्वेश्चन मार्क था रिजिड फेडरल अथॉरिटी के ऊपर और हाईली सेंट्रलाइज्ड फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। पाकिस्तान का आर्टिकल 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 जो कि रिलेटेड था सोशल एंड इकोनॉमिक सालवेशन से रिलेटेड, इट इंक्लूडेड अ न्यू पैराग्राफ जी अबाउट द प्रोविंशियल कोटा इन फेडरल सर्विसेज अंडर द 18th अमेंडमेंट, और इसमें सेल्फ गवर्निंग बॉडीज को भी ऐड किया गया। कॉरपोरेशंस अंडर द फेडरल जुरिस्डिक्शन वुड बी सिक्योर अंडर दिस आर्टिकल, एंड आर्टिकल 156 जिसने कि NEC को, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो थी, उसमें ये अमेंडमेंट की गई और उसे इंश्योर किया गया बैलेंस डेवलपमेंट फॉर इक्विटी पे। आर्टिकल 161 दैट इज ऑल अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज, तो 18वीं तरमीम ने इसको इंटेल किया दैट द गैस एंड ऑयल रॉयल्टीज वंस रिसीव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट रिमेन नो लॉन्गर अ फेडरल लाइबिलिटी एंड फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट रिसीव इट, दे शेल बी पेड टू द प्रोविंसेस बैक। और हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 167 जो था वो ये अलाउ भी कर रहा था फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, दैट दे कैन टेक इंटरनेशनल लॉज इफ दे इकोनॉमिकली आर नॉट स्टेबल, दे कैन आस्क फॉर इंटरनेशनल लोन्स, दे कैन अप्लाई बट विथ सम रिस्ट्रिक्शंस। इसके लिए एक न्यू क्लास 4 ऐड की गई और
प्रोविंसेस को ये परमिशन दी गई दैट दे कैन अप्लाई फॉर अ फॉरेन लोन. सेम एज प्रोविंसेस को एम्पावर किया गया अंडर द आर्टिकल 172 ऑडिटर जनरल रिपोर्ट वेयर द अमेंडमेंट ने ऐड किया अ प्रोविजन दैट मिनरल्स ऑयल वाटर एंड गैस विद इन द स्पेसिफिक प्रोविंस शैल बी इन्वेस्टेड इवनली इन दैट प्रोविंस एंड द फेडरल गवर्नमेंट. तो इस तरीके से फ़ायदा जो था वो किसको जाना था, जो प्रोविंसेस जो डिमांड कर रहे थे जैसे कि बलूचिस्तान. द अमेंडमेंट ट्रांसफर्ड फ्यू इन लिस्टेड सब्जेक्ट्स ऑफ द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट वन टू पार्ट टू, जो कि जब फेडरल लेजिस्लेटिव पार्ट टू के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली CCI के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मेजर बोर्ड्स, पॉपुलेशन कंसेंसस सेंसस, नेशनल प्लान्स एंड नेशनल मॉनिटरी कंडीशंस, मेडिकल और अदर प्रोफेशंस, हायर एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च. जब कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट एबॉलिश कर दी गई तो प्रोविंसेस के पास अथॉरिटी आ गई बहुत से मैटर्स के ऊपर, जिनमें सेल्स टैक्स सर्विसेज के ऊपर लगा सकते हैं, ड्यूटीज इन प्रोग्रेशन टू प्रॉपर्टी हो सकती है, एंड स्टेट ड्यूटीज इन आ प्रॉपर्टी बैक टू देम सेल्फ के जो रियल स्टेट के बिजनेस की जो आमदनी है वो भी प्रोविंसेस को चली जाएगी. अब इस तरीके से प्रोविंसेस को इम्पावर कर दिया गया और कुछ मिनिस्ट्रीज भी जो थी, जो 17 मिनिस्ट्रीज थी वो भी प्रोविंसेस को दे दी गई. अब हम जो डिमांड फॉर द शेयर रूल थी, डिमांड एंड मेजर डेवलपमेंट्स हम देखेंगे. शेयर रूल को आप पार्टिसिपेटरी फेडरलिज्म भी कह सकते हैं, यानी डिमांड थी कि देयर शुड बी पार्टिसिपेटरी फेडरलिज्म इन पाकिस्तान. तो 18वीं तरमीम के बाद जो ये पार्टिसिपेटरी अरेंजमेंट्स थी ये की गई अंडर द 18th अमेंडमेंट, और हमारा जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट थी ये बार बार की जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की गई डिफरेंट रिजीम्स में, अनडेमोक्रेटिक रिजीम्स में, उन्होंने डिससेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन और ग्रीवेंसेस रेज कर दिए थे. तो इसके लिए तीन जो इंस्टीट्यूट थे या प्लेटफॉर्म्स थे उनके रोल को इन्हेंस किया गया, चार के, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जिसको आप अक्सर मुश्तरका मफादात की काउंसिल कहते हैं, NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन को जो हर साल फिस्कल ईयर के लिए आपके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान को जो कि पार्टिसिपेटरी और शेयर रूल का एक प्लेटफॉर्म है एट पार्लियामेंट लेवल पे, उसको इनके चारों के जो रोल है उसको 18वीं तरमीम में इन्हेंस कर दिया गया. कैसे किया गया ये हम वन बाय वन इसको जो है वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल उसकी को हम रोल को असेस करते हैं. 18वीं तरमीम जो कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रैल 2010 में की गई थी, उसने बहुत से सिग्निफिकेंट एंड चेंजेस लेके आई थी द होल गवर्नेंस स्केलेटन इन पाकिस्तान में. इनमें से एक था कि उसने नेशनल इकोनॉमिक जो काउंसिल है उसको जो है उसके रोल को इन्हेंस किया, और थ्री मोर क्लासेस वर एडेड इन द NEC about the affairs of NEC in article 156. अगर आप constitution 1973 का खोलें तो आप देखेंगे कि 1973 का जो constitution है उसके अंदर article 156 is all about national economic council. ये जो three clauses add की गई थी उसने provinces को इनेबल किया कि वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है उसकी मीटिंग्स कॉल भी कर सकते हैं, यानी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कॉल की जाएं, और उसके कोरम को जो है वो
जो है फॉर एनी सी मीटिंग्स, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको भी डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह प्रोविंसेस जो हैं, दे कैन ले डाउन द रिक्वायरमेंट टू सबमिट अ रिपोर्ट वंस इन अ ईयर टू द पार्लियामेंट। फिर प्रेसिडेंट शेल इस्टेब्लिश NNEC, जो उसकी जो फॉर्मेशन है, मेंबरशिप है, उसको उसकी इस्टेब्लिशमेंट करेगा, और इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो फेडरल और प्रोविंशियल मेंबर्स पे मुश्तमिल ये एक बॉडी होगी। प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करेंगे, और प्रोविंशियल जो चीफ मिनिस्टर हैं, वज़राए आला, वो इसके मेंबर होंगे, और कुछ मेंबर फेडरल यूनिट्स की तरफ से होंगे, जिनकी तादाद 4 होगी। वो या तो सिलेक्ट होंगे या नॉमिनेट होंगे बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो कि फेडरल से मेंबर्स होंगे वो, और जो प्रोविंशियल होंगे बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। सेम एज NEC की का जो काम है वो मॉनिटरिंग द होल इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री। पूरे मुल्क का जो इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं वो, और सिचुएशन को देखना और एडवाइस करना डिफरेंट गवर्नमेंट को, फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, कि वो किस तरह के प्लान बनाएं दैट आर इन कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड विद द फाइनेंशियल, सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। NEC को ये भी जो है पावर मिली कि वो इंश्योर कर सकती है रीजनल इक्विटी अंडर चैप्टर 2 ऑफ पार्ट फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2, वाइल फाइनलाइजिंग एनी फिस्कल पॉलिसी प्लान। चेयरमैन जो कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो NEC की मीटिंग कॉल करेंगे, और ऑन अ रिक्वेस्ट मेड बाय 50% ऑफ द CCI मेंबर्स। अब CCI के मेंबर्स कौन है? ऑब्वियसली प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, अगर 50% मेंबर्स जो हैं ये कहें कि आप मीटिंग बुला लें, तो मीटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो मीटिंग कॉल कर सकते हैं। इसी तरह द CCI विल मीट ट्वाइस पर ईयर। एक साल में 2 इजलास इसके मुनक्किद होना ज़रूरी है, एक फर्स्ट क्वार्टर में, अर्ली 6 मंथ में, और बाकी अर्ली लास्ट 6 मंथ में। और इसका कोरम होगा कि अगर इसके 50% मेंबर्स मौजूद होंगे तो इजलास जारी रहेगा, अदरवाइज इसका कोरम पूरा नहीं है तो CCI की मीटिंग कंडक्ट नहीं हो सकती। CCI अपनी इजलास की जो तमाम मीटिंग के मिनट्स हैं, एक रिपोर्ट की शक्ल में सालाना, साल में 2 इजलास हुए हैं मगर रिपोर्ट साल में एक दफ़ा तमाम इजलासों की जो है पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे पेश की जाएगी। और जो CCI है वो अकाउंटेबल होगी पार्लियामेंट को। इसी तरह हम देखते हैं NFC अवार्ड के, नेशनल फाइनेंस कमीशन जो थी हमारा, नेशनल फाइनेंस कमीशन जो हमारा अवार्ड था, वो उसका जो रोल है वो हम देखेंगे, और वो भी 18वीं तरमीम के बाद, जो उसका उसके और प्री-18th अमेंडमेंट जो हमारे यहाँ पे मसाइल थे, हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 18वीं तरमीम ने, हमने पहले भी बताया कि डिफरेंट डोमेन्स में गवर्नेंस के चेंजेस लेके आई, तो इनमें से मेजर और सिग्निफिकेंट चेंज जो थी वो थी ताकि गवर्नेंस के प्रोसेस को बेहतर बनाया जाए, लेकिन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। कोई काम ऐसा नहीं होगा जो कि हम अबव द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन को निग्लेक्ट करके कोई भी गवर्नमेंट करेगी। और इस चीज़ का जो नेशनल फाइनेंस कमीशन की का जो रोल इन्हेंस किया गया, इससे जो फिस्कल ट्रांसफ़र है वो स्मूथ हो गई इंटर गवर्नमेंट में, यानी फेडरल गवर्नमेंट और उसके फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आफ्टर 18th अमेंडमेंट, द फेडरल गवर्नमेंट, इससे पहले उसको एक फिस्कल अथॉरिटी थी,
अंडर द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट फोर्थ शेड्यूल आर्टिकल 74 के तहत टू लेवी अ सेल्स टैक्स और आर्टिकल 142 सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है प्रोविंशियल असेंबलीज को टू कॉन्स्टिट्यूट लॉज ऑन अ मैटर नॉट लिस्टेड इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। इसी तरह सेल्स सर्विसेज को कम्प्लीटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में दे दिया गया, अब हमारी सूबाई हुकूमतें इसके ऊपर खुद मुख्तार हैं, खुद फैसला कर सकती हैं, पॉलिसीज बना सकती हैं। द अमेंडमेंट एक्सप्लिसिटली लिजिटिमाइज्ड प्रोविंसेस के इस अमेंडमेंट ने प्रोविंसेस को ये इजाज़त दे दी कानूनी टू इम्पोज सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एज मेंशन इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट टू। द सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज इज नाउ अ प्रोविंशियल ड्यूटी। द अमेंडमेंट द 18th अमेंडमेंट ऑल्सो डिलीटेड ड्यूटीज रिगार्डिंग सीक्वेंस टू प्रॉपर्टी एंड स्टेट ड्यूटी फ्रॉम द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट इन द स्पिरिट टू गारंटी दैट टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी इज नाउ अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द प्रोविंसेस है, तो हम इस पे काम नहीं करेंगे। इसी तरह 18वीं तरमीम ने ऑब्लिट्रेटेड द कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट जो कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थी। कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट ये वो इख्तियारात की फहरिस्त थी, मुश्तरका इख्तियारात की फहरिस्त थी दैट कंप्राइज्ड ऑफ 47 आइटम्स, वो उसको ख़त्म कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि जब वो 47 सब्जेक्ट ख़त्म हुए तो वो गए कहाँ, क्योंकि जाहिर है उन डोमेन में पब्लिक की वेलफेयर के लिए तो काम होने थे और उसमें वेमेन एम्पावरमेंट था, यूथ था, एनवायरनमेंट था, तो सारे कहाँ चले गए। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो 47 सब्जेक्ट थे इनमें से कुछ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट टू का हिस्सा बन गए, राइट, और CCI के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होने लगे, और बाकी मामला जिसमें 17 मिनिस्ट्रीज हैं वो प्रोविंसेस को चली गई। और अब प्रोविंसेस उन 17 मिनिस्ट्रीज को उनके स्टाफ और उनके जो मॉनिटरी मैटर्स हैं उनके ऊपर अथॉरिटी रखते हैं, अब ये प्रोविंसेस के कंट्रोल में है, जिसमें हायर एजुकेशन भी है जो कि आप देखें कि अभी तक फेडरल गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है और प्रोविंसेस में 4 में से 2 प्रोविंसेस ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी हायर एजुकेशन प्रोविंशियल हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट्स है इस्टेब्लिश की हैं, बाकी अभी तक उन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया, लेकिन मैटर्स अभी तक हायर एजुकेशन ही डील कर रही है। 2010 की इस तब्दीली के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रेजुअली ट्रांसफ़र करना शुरू कर दी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोविंसेस को, और ये फेजेस इसके बनाए जिसमें फेज वाइज ये ट्रांसफ़र की गई। हम देखते हैं फिस्कल पावर्स जो कि बहुत बड़ा चेंज था अंडर आर्टिकल 160, और हम देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल स्टेटिंग दैट प्रोविंशियल शेयर इज इन नेक्स्ट NFC शेल डिक्रीज देन अ गिवन शेयर टू द प्रोविंसेस इन द एंटायर अवार्ड। द 18th अमेंडमेंट स्पेसिफाइड दैट द 8th NFC अवार्ड कैन नॉट लेसन द शेयर ऑफ द प्रोविंसेस, यानी ये डिसाइड हो गया कि एक दफ़ा अगर किसी डिवाइसेबल पूल में कोई शेयर किसी का रख दिया गया, यहाँ मिसाल ले लेते हैं कि अगर पंजाब को 50% मिलेगा तो अगले साल जो हमारा NFC अवार्ड आएगा उसमें ये 50 से कम नहीं होगी, ज़्यादा हो सकती है, या 50 भी रह सकती है लेकिन 50 से कम नहीं हो सकती, ये एक चीज़ जो है ये ऐड की गई। इसी तरह हम देखते हैं कि देयर हैव बीन कंसर्न अबाउट अन वाइडली मेजर्स इन्वॉल्व इन द सेंक्शनिंग ऑफ दीज लोन्स, जो कि अलाउ किया गया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अंडर द 18th अमेंडमेंट कि आप ले सकते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट जो है वो
इन मैटर्स को डील करेगी। ऑब्वियसली जब प्रोविंसेस फॉरेन कंट्रीज से या इंटरनेशनल कम्युनिटी से लोन ले रहे हैं तो उसकी अदायगी या उसके जो आउटकम्स हैं अगर नेगेटिव होंगे वट एवर, तो उसका इम्पैक्ट रियासत की के नोटोरियस होने पे भी हो सकता है, यानी रियासत की बदनामी भी हो सकती है। या प्रोविंसेस ले रहे हैं तो ये ना वो इतने कर्जे ले लें जिसकी ज़रूरत भी ना हो, तो इसको इस सिस्टम को मोनेटाइज करना जो था वो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने जो जुरिस्डिक्शन में रखा। अब 18वीं तरमीम ने ये फैसिलिटी इनको प्रोविंसेस को दे दी। आर्टिकल 167(4) कहता है दैट द प्रोविंसेस कैन यूटिलाइज एनी लोकल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस, के वो इसको अवेल कर सकते हैं। इसी तरह प्रोविंशियल कंसोलिडेशन फंड जो है वो रिमेन चेक बाय द लिमिट्स, के वो जो है उसकी मॉनिटरिंग होती रहेगी। एंड द सब्जेक्ट ऑफ विच टू विच सेटिंग्स वुड बी स्पेसिफाइड बाय द एनईसी और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, उसको जो है वो उसकी जो सेटिंग्स हैं जो कंसल्टेंसी है वो उनको प्रोवाइड करेगा। जब 8वां 7वें एनएफसी अवार्ड सक्सेसफुली अप्रूव विद कंसेंसस, अब कुछ प्रॉब्लम्स आई जब 8वां एनएफसी अवार्ड आया जो कि 18वीं तरमीम से बाद में आया। कीप रिमेंबर जो 7वां एनएफसी अवार्ड था वो 18वीं तरमीम से पहले अनाउंस हुआ था और 8वां इसके बाद हुआ था। 7वें में तमाम कंसेंसस के साथ पीपल्स पार्टी ने तमाम सूबों को के साथ जो है कंसेंसस के साथ विद इंटर गवर्नमेंटल हारमनी थी इन मॉनिटरी अफेयर्स में डिसाइड किया था। हाउएवर ये सारी जो सेटिंग्स थी ये 2010 से पहले हुई थी। द 8th NFC फिस्कल स्केच डिसाइडेड मैटर्स विच वर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस ऑफ डेलीगेशन फंक्शंस, और यहाँ पे जो है ये कंसेंसस की हमें कमी नज़र आई। और हम देखते हैं कि ये NFC 8th NFC अवार्ड अवार्ड नहीं आया बल्कि 7th में ही मॉडिफिकेशन के बाद उसको 8th NFC अवार्ड का नाम दे दिया गया। इसी तरह अंडर द 18th अमेंडमेंट द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस फॉर द प्रोविंसेस, उसमें तीन चीज़ें ऐड की गई, वेज बिल्स, पेंशन लाइबिलिटीज, मेंटेनेंस कॉस्ट जो थी वो ऐड की गई थी। सेवरल अंडर गोइंग प्रोजेक्ट्स एसोसिएटेड विद द 12 मिनिस्ट्रीज और द सब्जेक्ट ट्रांसफर टू द फेडरल फेडरल यूनिट्स यानी प्रोविंसेस को दे दिया गया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी फाइनेंशियल सपोर्ट की जो अनरिजॉल्व रही, और जो हमारे सूबे थे वो उन पे उनको उनकी एग्जीक्यूशन जो थी उसमें उनको प्रॉब्लम आ रही थी। CCI की एक मीटिंग हेल्ड हुई अप्रैल 2011 में जो कि पब्लिसाइज द फॉलोइंग डिसीजन जिसने किए, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने फंडिंग हायर एजुकेशन जब तक कि अगला अवार्ड जो है 2014-15 का नहीं आ जाता, द फेडरल गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू सपोर्ट इन द हेल्थ एंड पॉपुलेशन सेक्टर, प्रोविंसेस शैल कंटिन्यू टू सपोर्ट ऑल प्रोजेक्ट्स जो कि ऑन गोइंग हैं। इस तरह के जो मामलात हैं उनको जो है वो कंसेंसस से डील किया गया। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो कि डिवॉल्व किए गए थे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से चारों सूबों को, उन वो तकरीबन अराउंड 108 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस थे। द प्रॉफिट ऑन दीज प्रोजेक्ट्स नॉट टू बी कलेक्टेड अनटिल जून 2011 जो कि 40 बिलियन रुपीस था, कंप्राइजिंग ऑफ अ थ्रो फॉरवर्ड ऑफ रुपीस 68 बिलियन। अब जो प्रोविंसेस थे हैड नो एन ऑप्शन टू कंटिन्यू दीज प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन सेट प्रायोरिटीज, जब उनके जुरिस्डिक्शन में आ गया तो अब वही जिम्मेदार हैं कि वो इसके ऊपर काम करें और जो इसके प्रॉफिट्स हैं वो ही कलेक्ट करें। 2011 से 12 के और 12 से 13 के जो साल के जो प्रोजेक्ट थे डेवलपमेंट के,
मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स इनिशिएटेड इन द प्रोविंसेस ऑफ केपी के पंजाब एंड बलोचिस्तान वर सस्टेन, उसी तरह काम करते रहे, और ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव एडीपीज के अंडर ही ये रहे, और टोटल कॉस्ट ऑफ जो थी इन प्रोजेक्ट्स की ये स्टॉप्ड अमाउंटेड टू 20 बिलियन रुपीज़ हो गई, और 3 बिलियन रुपीज़ जो हैं हैड ऑलरेडी एक्सपेंडेड ऑन दिस प्रोजेक्ट बाई द फेडरल गवर्नमेंट, लीडिंग टू अ ब्लीक इकोनॉमिक सिनेरियो। और सूबों में जैसे कि सिंध, हाउएवर द डिवॉल्व सब्जेक्ट्स या प्रोजेक्ट्स डिड नॉट अपियर टू हैव बीन इंक्लूडेड इन द एडीपीज एज रेगुलर स्कीम्स। सेम एज वी सी दैट इनहेंस द रोल ऑफ द सेनेट एज शेयर रूल, क्या थी द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, हमारा जो पार्लियामेंट है कंप्राइज्ड ऑफ टू हाउसेस यानी भाई कैमरल है, सेनेट द अपर हाउस जहाँ पे के हमारे सूबों से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि जो सेनेट के इलेक्शंस हुए, द होल प्रोसेस कि किस तरह इनकी नॉमिनेशन होती है और किस तरह प्रोविंशियल असेंबलीज में और फेडरल गवर्नमेंट में नेशनल असेंबली में इनकी लिए वोट कास्ट हुए, और इस तरह सेनेट के जो हाफ अरकान है उनकी का जो सिलेक्शन हुआ, और हाफ अरकान हर साल रिटायर हो जाती है और हर 3 साल के बाद, और इसकी मुद्दत 6 साल है, और इनको इसको इम्पावर किया गया 18वीं तरमीम में, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और कंट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान को एक ट्रू फेडरल स्टेट बनाने में। ये अमेंडमेंट जो थी इसने पावर किया दोनों हाउसेस को अबाउट रेफरेंडम और अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री थ्रू अ जॉइंट डिसीजन प्रायर टू द अमेंडमेंट, बोथ हाउसेस वर रिस्ट्रिक्टेड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द रेफरेंडम। इसी तरह द प्रेजेंट हैज रिस्ट्रिक्टेड टू पास द बिल विद इन 10 डेज वाइल इट वॉज 30 डेज इन प्रैक्टिस बिफोर 18th अमेंडमेंट, कि कोई भी जो बिल आएगा उसको आप रोक सकते थे और उसको जो थे वो आप 30 दिनों तक वो रुका रहता था, उसकी मुद्दत जो है कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर आप उसको पास करेंगे, जो कि कम कर दी गई है मुद्दत इसकी। इसी तरह पार्लियामेंट अब अथोराइज्ड है कि अलॉट करे एन अथॉरिटी जो कि एमरजेंसी डिक्लेयर करे बाय द प्रेसिडेंट इन द कंट्री, जो कि प्रेसिडेंट जो है वो कोई एमरजेंसी नाफिज कर सकता है कंट्री में, कि उसको पार्लियामेंट अगर एमरजेंसी डिक्लेयर हो गई उसको बाद में पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है, अगर पार्लियामेंट अप्रूव करती है तो वो एक्सरसाइज करती रहेगी वरना वो ख़त्म हो जाएगी। इन पावर्स की वजह से पार्लियामेंट हैज़ आल्सो अ मेजर रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस एंड चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह 18वीं तरमीम की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें द प्रेसिडेंट इज नाउ बाउंड टू सबमिट रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी बिफोर द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बिफोर दिस प्रैक्टिस द प्रेसिडेंट वॉज सपोज टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट टू द लोअर चैम्बर ओनली, अब दोनों चैम्बर में वो पेश करेगा। वर्किंग डेज सेनेट के इंक्रीज किए गए 90 डेज से 110 डेज कर दिए गए, और ताकि ये ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो सके, और इसकी जो अथॉरिटी इसका जो जुरिस्डिक्शन है जो इन्फ्लुएंस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जाए इसको इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट, और इसको 18वीं तरमीम ने इस तरीके से सेनेट को एम्पावर्ड कर दिया और इस तरीके से स्ट्रेंथन कर दिया, और जो कि अब गुड गवर्नेंस की तरफ एक स्टेप है, प्रोविंसेस के जो शेयर्ड रूल के जो डिमांड्स थी उनमें से मैक्सिमम को जो है वो फुलफिल कर दिया गया। इसी तरह द अमेंडमेंट इज नो डाउट एन इफेक्टिव स्टेप टूवर्ड पार्टिसिपेटरी डिसेंट्रलाइज्ड फेडरेशन।
यानी जो पाकिस्तानी फेडरेशन है, जो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अब दो तरह का हो गया है, पार्टिसिपेटरी भी है यानी कि शेयर्ड रूल की भी इजाज़त है, डिसेंट्रलाइज्ड भी है यानी प्रोविंसेस को मैक्सिमम जो है वो एम्पावर कर दिया गया है, वो अब एम्पावर कॉन्स्टिट्यूशनली किया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया पे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट उनको दे दिए हैं और वो अपने लोगों की वेलफेयर के लिए खुद ही काम करेंगे, और फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पास सिर्फ वो मामलात रखे हैं। और वैसे भी आप देखें कि मॉडर्न स्टेट्स में की जो अब फॉरेन पॉलिसी है वो भी मॉडर्नाइज हो रही है, डिफेंस एक बहुत इशू है, साइबर क्राइम्स इश्यूज हैं, तो इन पे अब एक फेडरल गवर्नमेंट या कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अब छोटे जो हेल्थ एजुकेशन जैसे इन मामलात पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल मामलात को फोकस कर रही हैं, और अपने जो लोकल और डोमेस्टिक मामलात हैं वो अपने प्रोविंसेस को या फेडरेटिंग यूनिट्स को दे रही हैं, क्योंकि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बिजनेस है या जो टास्क हैं वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि उसके लिए उन्हें मेन फोकस करना चाहिए ताकि जो स्टेट अफेयर्स हैं वो डिस्कस वो निग्लेक्ट ना हो और हम डोमेस्टिक मामलात में सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो जाए और वो सिर्फ हाई लेवल के मामलात, करेंसी, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेररिज्म, इन चीज़ों को जो है वो डील करें। द 18th अमेंडमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट हैज़ बीन अ मेजर हिस्टोरिक डिसीजन जिसने कि सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन जो कि पहले डिस्टर्ब थे उनको बेहतर किया, और इसी तरह एंटायर पाकिस्तानी फेडरेशन जो है उसके स्केलेटन को चेंज किया, और प्रोविंसेस आर गिवन इन अ नट शेल अटोनमी इन एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिस्कल अफेयर्स, यानी चार डोमेन में हमने देखा कि 18वीं तरमीम ने प्रोविंसेस को एम्पावर किया और अटोनमी यानी खुद मुख्तारी दे दी एग्जेक्टिव के, खुद आप अपने सूबे को चलाएं, खुद इन मामलात पे एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, यूथ अफेयर्स, लेबर, वेमेन अफेयर्स, इनके ऊपर आप काम करें, ये 17 मिनिस्ट्रीज और दे दी, लिजिस्लेट करें, एडमिनिस्टर करें इन मामलात को, और इकोनॉमिक अफेयर्स जो हैं यानी उनमें भी एम्पावर कर दिया, और इनके जो जो शेयर है द होल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री उसमें इनका बढ़ा दिया, और हर सूबे का डिफरेंट है, नो डाउट सबका इक्वल नहीं है, अकॉर्डिंग टू ये एक और डिबेट है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा फार्मूला है जिसके तहत जो फिस्कल अफेयर्स हैं जिस पे सबका कंसेंसस है उसके अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो की जाती है। फिर हम देखते हैं कि इसने कॉपरेशन इन्हेंस किया सूबों के दरमियान, और एक नेशनल लेवल पे हमें एक इंटेग्रिटी नज़र आई और कॉम जो है वो स्ट्रेंथन हुई, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और जो प्लानिंग थी सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड सोशल सेक्टर पे वो प्रोविंसेस को हैंडओवर कर दी गई, और फेडरल प्लानिंग कमीशन जो है इज़ नो लॉन्गर अथोराइज टू मेक एनी प्लान ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रोविंशियल प्लानिंग कमीशन एंड NEC। इसी तरह द डॉगमेटिक फॉर ए डिड नॉट अलाउ डेमोक्रेसी टू फ्लोरिश इन पाकिस्तान इन द पास्ट, तो 18th अमेंडमेंट ने उसका भी रास्ता जो है वो रोक दिया और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर दिया, और अंडर दिस अमेंडमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंसेस को दे दी गई, और अब प्रोविंसेस ही जो है वो इसका लोकल गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर जो है, जो पॉलिसीज, इलेक्शन करवाने, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट्स आर नाउ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड दैट विल फोर्टिफाई द डेमोक्रेटिक सिस्टम एट द फाउंडेशन लेवल इन द कंट्री, इन द ग्रास रूट लेवल, ताकि हमें हमारे लोकल लेवल पे जो सर्विसेज हैं वो हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे,
इसके लिए ये बहुत बड़ा स्टेप था नो डाउट कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फ्लोरिश करे। फिर हम देखते हैं कि अमेंडमेंट जो है वो उसने कंट्रीब्यूट किया बहुत से सब्जेक्ट्स इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखें 2010 में ये हुई और 2021 तक अभी तक हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो प्रोविंशियल अटोनमी, ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि हम प्रोविंशियल अटोनमी मांगते रहे कई सालों तक और जब मिल गई तो हम अभी तक एजुकेशन को नहीं डील कर सकते, हायर एजुकेशन को। अभी तक आप देखें पेंडेमिक में हेल्थ का हुआ तो हमने देखा कि अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, बेड नहीं हैं। तो जब हम प्रोविंसेस अगर हैं तो हम डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें कुछ नहीं दे रहे, आप हमारे साथ खेल खेल रही है हाईली सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, मगर जब वही अटॉनमी हमें दी गई तो हमने अटेंड ही नहीं कर पा रहे, हम कैपेबल ही नहीं हैं कि हम इसको अटेंड करें। तो हम इतने साल गुजरने के बाद भी 2010 से 2021 आ गई है तो हम अभी तक कैपेबल नहीं हुए। हमने लोकल गवर्नमेंट के साथ जो कुछ किया, अभी आप देखें कि उनके बहाली का जो है वो नोटिफिकेशन आया है, हमने उनको सस्पेंड किए रखा, हमने उनको अटेंड ही नहीं किया। हमने क्या किया कि लोकल गवर्नमेंट को नॉन फंक्शनल रहने दिया, इलेक्शंस भी करवा दिए लेकिन उनके जो नुमाइंदे हैं उनको कोई हमने फंड रिलीज ही नहीं किए कि वो लोकल लेवल के प्रोजेक्ट्स कर सकते। फिर प्रोविंसेस वर ऑपरेटिंग अंडर अ हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और लैकिंग अकाउंटेबिलिटी एट ग्रास रूट लेवल, उसको भी बेहतर किया। प्रोविंसेस को ज़रूरत है इस बात की कि वो अपने आप को मॉडर्नाइज करें, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, पॉलिटिकल कॉम्पिटेंसी पैदा करें और जो गवर्नेंस प्रोसेस है उसके जो 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है उसको बेहतर होना चाहिए पाकिस्तान में। और 18वीं तरमीम ने इन तीनों को जो है वो एम्पावर किया। ये अलग बात है कि हमने 18वीं तरमीम को इम्प्लीमेंट सीरियसली लिया या नहीं, और अभी तक यही डिबेट है इतने सालों के बाद कि 18वीं तरमीम जो है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि ये तो हुकूमतों ने अच्छा नहीं किया उस वक्त की हुकूमतों ने, और बहुत जल्दी बहुत कुछ प्रोविंसेस को दे दिया, कुछ कहते हैं कि अभी बहुत कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है जो कि प्रोविंसेस को मिलना चाहिए। लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है कि जो प्रोविंसेस को मिल गया पहले इसमें वो बेहतर परफॉर्म करें और फिर जो है वो डू मोर की बात करें। द प्रोसेस ऑफ फिस्कल इक्वलाइजेशन बेहतर की गई, NFC अवार्ड जो है वो अनाउंस किया गया और उसके बाद मुल्क में जो है कोई और अवार्ड अभी तक नया नहीं आया, यानी उसी को रिवाइज करते जा रहे हैं आफ्टर सम मॉडिफिकेशन। तो इस पे भी काम होना चाहिए और प्रोविंसेस को जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना है ग्रास रूट लेवल पे, जहां डिस्ट्रिक्ट तहसील और यूनियन की सतह पे लोगों को वेलफेयर और दूसरे प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करने चाहिए। हम देखते हैं कि जो 18वीं तरमीम है उसने जो अगर हम देखें एक स्ट्रक्चरल रीइंजीनियरिंग की थी और हमें जो है वो आप देखें कि हमें रीजनल, हमें लेजिस्लेटिव इम्प्रूवमेंट दी, इंस्टीट्यूशनल और हमें जो है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में जो है उसने हमें एम्पावर किया। फिर हम ये देखते हैं कि जो न्यू फिस्कल सिनेरियो है कंट्री में आफ्टर 18th अमेंडमेंट वो क्या रहा कि जो प्रोविंशियल अटोनमी हमने दी गई उसमें उनको इंगेज भी किया, शेयर्ड फार्म ड्यूटीज़ दी, कुछ फोरम दिए CCI का, NEC एंड NFC का। तो इस जो 18वीं तरमीम है इसने इसको री इस्टेब्लिश किया रिलेशनशिप को बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द इट्स यूनिट्स, और जनरली इट हैज़ डीप इम्पैक्ट ऑन द सेल्फ रूल एंड शेयर रूल कॉन्सेप्ट,
it has fully provided them the platform, the platforms to the provinces to come and negotiate with the federal government and decide करें finally कि कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे हम मुल्क में एक हारमोनी पैदा कर सकते हैं. देखें फेडरल गवर्नमेंट का भी मतमय नज़र क्या है, रियासत की भलाई और आवाम की भलाई है, और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी मतमय नज़र यही है कि भलाई है आवाम की और भलाई है रियासत की, तो फिर दोनों को मिल के कॉपरेशन के साथ इन मामलात को देखना है. इसी तरह ट्रांसफ़र ऑफ पावर अथॉरिटी एंड रीएलोकेशन ऑफ द मल्टीपल सब्जेक्ट्स एंड लाइबिलिटीज विद सम नोटेबल इश्यूज जो है उसको अनरिजॉल्व है शुड बी रिजॉल्व जो है हो चुके हैं और जो रह गए हैं उनको करना है. और हमें इन मामलात को CCI का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम इसको बेहतर अंदाज में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, और इसी तरह ये रिक्वायर करता है एक्सटेंसिव इंसाइट एंड इंटरेस्ट अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड द रियल स्पिरिट ऑफ द अमेंडमेंट. इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्लानिंग एंड लॉ रिफॉर्म एजेंडा. इसी तरह हमने अचीव करना है द फाउंडेशन मार्क ऑफ द गुड गवर्नेंस एंड कम्प्लीशन ऑफ अ ले मैंस एक्सपेक्टेशन जो उसकी गवर्नमेंट से हैं. एक वेल डिजाइन फ्रेमवर्क बनाना है और एक प्रैक्टिकल प्रोविंशियल रोल जो है वो उसकी ज़रूरत है पाकिस्तान में, ताकि हम अपने सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेटरी जो है वो बना सकें. इसी तरह जो हमारे प्रोविंसेस हैं, अब सारी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की नहीं है डियर स्टूडेंट्स, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ प्रोविंसेस की भी है, लोकल गवर्नमेंट की भी है. प्रोविंसेस की है कि वो लोकल गवर्नमेंट का जो है उसी तरह उनको एम्पावर करे जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने 18वीं तरमीम में उनको एम्पावर किया, और वो उस तरह इस्तेहसाल मत करें लोकल गवर्नमेंट का जिस तरह उनका माजी में इस्तेहसाल होता रहा. जिस पे गुजरी होती है वो बेहतर अंदाज में जान सकते हैं, और ये मामला तो वैसे भी बहुत सेंसिटिव है कि आप कॉमन मैन को सर्व कर रहे हैं, आप उनके खादमीन हैं, तो आप उनको बेहतर अंदाज में सर्व करें. और प्रोविंसेस को ये भी चाहिए कि जो डेवोल्यूशन स्पिरिट है उसको ग्रास रूट लेवल तक यानी डिस्ट्रिक्ट तहसील और यूनियन की सतह तक उसको इम्प्रूव करें. आई होप कि आपको जो सेल्फ रूल एंड शेयर रूल के वो फेडरल कॉन्सेप्ट जो कि 18वीं तरमीम में एड्रेस किए गए थे, जो कि ख़ुद मुख्तारी की तहरीकें चलती रही थी पाकिस्तान में, और जो है वो हकूमत में और डिसीजन मेकिंग में शराकत दारी की बातें हो रही थी, वो किस तरीके से रिजॉल्व की गई. और 18वीं तरमीम एक बहुत बड़ी आईनी तरमीम थी जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, और इस तरमीम के ज़रिए जो हमारे फिस्कल मामलात थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात थे, और हमारे जो इंस्टीट्यूशनल मामलात थे उनको हल किया गया. अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इस तरमीम को सिर्फ तरमीम ना रहने दें, बल्कि जो इसकी रियल स्पिरिट थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमेटी ने बनाई थी और जिसमें रज़ा रब्बानी भी शामिल थे और महमूद कसूरी भी शामिल थे, वो स्पिरिट ये थी कि हमने जो पाकिस्तान का सिस्टम है उसको जो डी शेप हो गया है और जो रेस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी है उसको बेहतर करना है. और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों सेल्फ रूल खुद मुख्तारी का और शेयर रूल यानी पार्टिसिपेटरी फेडरलिज्म के जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, जो कि फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट हैं जो कि कोई भी मुल्क अपने एथनिक डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए अडॉप्ट करता है, आपको बेहतर अंदाज में समझ आ गए होंगे. आपके सुनने का, अंडरस्टैंड करने का, मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया.